माएँ बच्चों को दूध पिला रही होती हैं तो छाती से रिलेटेड इन्फेक्शन हो जाते हैं। पेट का जख्म है जो ऑपरेशन के बाद का है, उसके लिए आप रोजाना पट्टी चेंज करें। ये जो बेड रेस्ट होता है ना, ये चीज़ों को, ये हड्डियों को फ्रीज कर देता है। पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस यूजली बच्चियों को किस किस्म की होती हैं और क्या गलतियां कर रही होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निभिया। पोस्टपार्टम यानी कि डिलीवरी या ऑपरेशन के बाद आने वाले मसाइल, जो कि चार तरह के मसाइल इसमें देखे जाते हैं। एक तो छोटे पेशाब का इन्फेक्शन हो जाना, एक जो कि यूट्रस के साथ ताल्लुक़ रखता है, बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन हो जाना। दूसरा, चूँकि माएँ बच्चों को दूध पिला रही होती हैं तो छाती से रिलेटेड इन्फेक्शन हो जाते हैं। और एक चौथा बहुत कम देखा जाता है, रेयर है लेकिन बहुत ख़तरनाक है, उसमें खून के लोथड़े टांगों में या फेफड़ों में फंस जाना सर्कुलेशन के अंदर, इसको हम थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कहते हैं। क्योंकि ये चार इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि हर खातून को पता होने चाहिए, जिसमें आपने केयर कैसे करनी है, डाइट कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। इसमें हम हमेशा पेशेंट्स को भी यही बताते हैं कि आप डिलीवरी या ऑपरेशन के बाद प्रोटीन का इनटेक बढ़ा लें, जैसे दो उबले हुए अंडे की सफ़ेदियाँ रोज़ खा लिया करें, गोश्त में अपनी इस्तेताद के मुताबिक है, मछली, अंडा, दूध, मुर्गी, बीफ है, कीमा चम्मच से खा लें, रोटी से नहीं खाया जा रहा, फ़िश का आजकल सीज़न है वो खाई जा सकती है। फिर साथ साथ अपने वो सप्लीमेंट्स जो आप पूरे 9 महीने में ले रहे थे, दिस इज़ नॉट अ टाइम टू स्टॉप देम। अक्सर लोगों को लगता है चलो भाई डिलीवरी हो गई, दैट्स ऑल, कहानी खत्म, जान छूट गई। तो ये एक नया चैप्टर है जिसमें आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज अब आपके साथ एक छोटा बच्चा भी साथ में आ गया है, और वो बच्चे भी हैं जो घर में पहले से आपके पास थे। तो यहाँ पे फिर सप्लीमेंट्स मज़ीद 3 से 6 माह के लिए कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है, डाइट का ख्याल रखना ज़रूरी है। फिर वूंड केयर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ज़्यादा देखा गया है हॉस्पिटल्स में डिलीवरी और ऑपरेशन के बाद ज़ख्म ख़राब होने के बाद लोग रिपोर्ट करते हैं। तो आपके इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से सब लोगों को ये आगाही मैं भी देना चाहूँगी कि अपने ज़ख्म का ख्याल रखें। छोटे नॉर्मल डिलीवरी में कहलाता है छोटा ऑपरेशन हुआ है, छोटा उसमें एपिजियोटमी वो ज़ख्म होता है, जिसके लिए हम सिट्स बाथ रेकमेंड करते हैं। यानी आप टब में पानी के अंदर अपने जो प्राइवेट पार्ट है उसको नमक वाले पानी में, या पायोडीन नमक वाला पानी प्रेफर्ड है, उसमें आप डिप कर लेते हैं। इसके लिए भी मैं बताऊंगी, अक्सर लोग क्या करते हैं, घरों में बाथ टब हैं बड़े बड़े, और वो पानी इकट्ठा करके जमा करके उसके अंदर बैठ जाते हैं। बैठने से क्या होता है, वो ज़ख्म फट जाता है, और ये भी कॉम्प्लिकेशंस देखने में आई। तो हमेशा मैं भी यही डिटेल बताती हूँ कि आपने डिप करना है, यानी अपना प्राइवेट पार्ट डबोना है। उसके लिए बेशक आप कोई कुर्सी ले लें, कोई टब ले लें, बाल्टी ले लें, ताकि आपने बैठना नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने प्राइवेट पार्ट वाले ज़ख्म का ख्याल करें। और जो पेट का ज़ख्म है जो ऑपरेशन के बाद का है, उसके लिए आप रोज़ाना पट्टी चेंज करें, रोज़ाना नहाएं। अक्सर लोग नहाने से अवॉइड कर लेते हैं कि जी हमने तो अगले 40 दिन नहाना नहीं है, पता नहीं नहाने से क्या हो जाएगा। तो नहाएं रोज़ाना, ज़ख्म की सफाई का ख्याल करें, पट्टी उतार के नहा के सोप वाटर डालें, अच्छे से साफ़ करें और दोबारा पट्टी लगा लें ड्राई करने के बाद। मैंने इसलिए भी बोला कि प्लीज़ दूसरे लोगों की जो बातें हैं ना, उनको सुनना, थोड़ा सा सुन लें, लेकिन सुन कर अमल करना मत बैठ जाएं। अगर आपको खुद से थोड़ी सी नोहा होगी तो आप अपना फैसला खुद से कर पाएंगे। सबकी सुने, किसी को बुरा भला मत कहें, किसी को कोसे मत, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या। यूजली हॉस्पिटल्स में जब आप चाइल्ड बर्थ के बाद जो आयाज होती हैं, या जो सास होती है, या जो पुरानी नानियाँ दादियाँ, उनको भी बड़े एक्साइटेड यू नो हमारे घर के लोग होते हैं, तो हमें अपनी तरफ से तो सही मशवरा दे रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने वक्त में वो किया होता है। सो ये ना नहाने वाली बात आपकी बड़ी ये, और आप देखेंगे आपका ज़ख्म अगर है, अगर सी सेक्शन हुआ है, तो वो कितनी गंदगी आपके साथ है, और हॉस्पिटल के जो जर्म्स और बैक्टीरिया वो भी आप अपने साथ लेके गए हो। सो लोग वाकई इस चीज़ से मना करते हैं कि मत करना ऐसा, लेकिन आप अपने डॉक्टर से पूछें हर सवाल, किसी भी बारे में अगर आप उसको परेशान करें तो आपका डॉक्टर आपके पास मौजूद है आपको आंसर करने के लिए। जी, और अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब 7 दिन बाद हम टांके खोलने के लिए मरीज को बुलाते हैं, तो दैट इज़ द फर्स्ट टाइम कि जब पट्टी उतार के हम देख रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा ज़रूरत है कॉन्सेंट्रेट करने की कि आप सफाई का ख्याल करें, हाइजीन का ख्याल करें, और डाइट प्रोटीन इंटेक बढ़ा देने से जख्म जल्दी भरता है। क्योंकि एक तो आपने कहा कि प्रोटीन इंटेक आपका प्रॉपर होना चाहिए, प्लस जो सफाई है उसका ख्याल होना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें इनकी टेक केयर करनी है कि इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा मैं रेकमेंड करूँगी एक्सरसाइज,
ऐसा नहीं है कि डिलीवरी हो गई, ऑपरेशन हो गया और आप बेड पे चढ़ के बैठ जाएं और मुकम्मल अगले 3 महीने तक आराम करें। कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, वॉक शुरू करें। अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, अपने टेरेस में, अपने घर के अहाते के अंदर वॉक शुरू करें और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज स्टार्ट करें। ख़ास तौर पे 40 दिन के बाद, 2 महीने के बाद अच्छी ब्रिस्क एक्सरसाइज करना रिकमेंडेड है। आफ्टर 40 डेज, ऑल 3 मंथ्स, ऑलमोस्ट आफ्टर 3 मंथ्स जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक सवाल मैं लाजमी आपसे पूछना चाहूंगी, क्या वजह है, क्या रीजन है कि हमारे यहाँ जो सी सेक्शन है उसका नंबर नॉर्मल डिलीवरीज की निस्बत इतना ज़्यादा बढ़ चुका है? वेस्ट में तो लास्ट मिनट तक कोशिश ही की जाती है कि नॉर्मल डिलीवरीज हों, और नो डाउट मैंने भी बहुत सारी ख़वातीन को अपने आसपास देखा है जो कि खुद भी प्रेफर करती हैं कि सी सेक्शन हो, लेकिन एक दिन की तकलीफ और बहुत हफ्तों की तकलीफ से क्या बेहतर नहीं है? बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, इसमें पेशेंट की अपनी चॉइसेस के अलावा जो मेडिकल रीजंस हैं वो ये कि लोग बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल अपनाते जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो पहले खेतों में काम करने वाली ख्वातीन थीं या वो ख्वातीन जो दूर दूर पैदल चल के जाया करती थीं कहीं काम करने, वो लोगों का एक्टिव लाइफस्टाइल था। जब आप एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो हड्डियाँ खुलती हैं, लिगामेंट्स खुल रहे होते हैं, बॉडी रिस्पॉन्स देती है नॉर्मल डिलीवरी के जो प्रोसेस है, जो नेचुरल प्रोसेस है चाइल्ड बर्थ का, उसको रिस्पॉन्स देती है। आजकल क्या हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, बैठ जाएं, यस, चल रेस्ट करें, मुकम्मल रेस्ट। डॉक्टर साहिबा हमारे पास आएंगे, बेड रेस्ट रेकमेंड करते हैं। तो ये जो बेड रेस्ट होता है ना, ये चीज़ों को, ये हड्डियों को फ्रीज कर देता है। बिलीव मी, ये फ्रोजन बोन्स हो जाती हैं, और जब वो फ्रीज हो जाते हैं डेफिनेटली ना वो बच्चे का उस तरीके से 9 महीने में अडेप्टेशन होती है, ना हड्डियाँ वो वाला रिस्पॉन्स देती हैं। तो फिर एंड ऑफ द डे क्या होता है कि जब दर्दें आना शुरू होती हैं तो डिलीवरी का प्रोसेस स्टक हो जाता है। जब वो स्टक हो जाता है, बच्चे की हार्ट बीट पे इफेक्ट हुआ, चलें जी डॉक्टर्स ने अनाउंस कर दिया कि जी हमें जल्दी है, डिस्ट्रेस है, हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स रीजन इसका ये है। अदर देन दैट कुछ हमारे पास प्रॉब्लम्स भी हैं, कभी कभार बच्चे की पोजीशन ऐसी नहीं होती जो नॉर्मल तरीके से डिलीवर पोजीशन में अगर हो तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता, हम चेंज नहीं कर सकते, तो वो बहुत कम रीजन है और दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इस तरह से अभी कुछ डॉक्टर्स भी बात करते हैं और पेशेंट्स भी बात करते हैं, स्पेशली जिनका फर्स्ट सी सेक्शन हुआ है, कि नहीं तो बिल्कुल ठीक रहा, पता भी नहीं चला, बहुत छोटा स्कार आया। वाकई अब इस तरह की एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से सी सेक्शन भी जिस तरह पुराने वक्तों में होता था, अब बहुत बेहतरी आ चुकी है, बहुत एडवांसमेंट्स आ चुकी है, आप समझती हैं? जी बिल्कुल ऐसा है, साइंस ने जैसे जैसे तरक्की की है वैसे वैसे बहुत बेहतरी हो गई है। जैसे एपिड्यूरल पहले नहीं हुआ करता था, बहुत पेनलेस, बिल्कुल पेनलेस डिलीवरी पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब दिस इज़ अ कम्फर्ट फॉर एवरीवन, वेरी मच दिस इज़ अ सेटिस्फैक्शन कि अब लड़कियों को वो खौफ नहीं होता कि अच्छा फटाफट वो हमारे पास बुकिंग करा लेते हैं कि जी एपिड्यूरल ज़रूर रिकमेंड करना है आपने, तो क्योंकि वो जो एक एगनी है, मेंटल एगनी या उस पेन को देखना, विच इज़ वेरी नेचुरल, ज़रूरी नहीं है। अक्सर औकात पहले बच्चे में एपिड्यूरल की ज़रूरत पड़ती है, दूसरे और तीसरे बच्चे का प्रोसेस चूँकि क्विक होता है, जल्दी होता है, उसमें एपिड्यूरल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो कुछ चीज़ें साइंस की तरक्की ने बेहतर कर दी हैं। जनरल एनेस्थीजिया बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है, यानी मुकम्मल बेहोशी करना, अब हम स्पाइनल देते हैं, यानी कि हम कमर में टीका लगा देते हैं, पेशेंट इज अवेक, उसे पता चल रहा होता है कि वो जागा हुआ है, दर्द तकलीफ का एहसास नहीं होता, लेकिन दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी गुड।